आपसे थोड़ी सी तलख बातें करना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह शुरू करें। कुछ लड़कियों का कहना है कि प्रोड्यूसर हजरात जो होते हैं सीटों की डिमांड करते हैं कि आप सीटें लगवाएंगी तो आपको कास्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। असल में ना जब से हीरा मंडी बंद हुई है ना, वहाँ के तमाशबीन जो है ना, वह यहाँ पर प्रोड्यूसर शुरू हो गए। पढ़ती हैं लड़कियाँ, कहती हैं आई लव यू आई लव यू, तो मेरा एक ही मोटो होता है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं। हाँ अस्सलाम वालेकुम शान पाकिस्तान के साथ, मैं हूं आपका देसी एंकर जाहिद खान। आज हमारे पास लाहौर के बिग प्रोड्यूसर साबर अली गागा साहब मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे इनकी एक्टिंग कब से शुरू हुई, प्रोड्यूसर कैसे बने, क्या ये एक्टर बनने आए थे, प्रोड्यूसर बनने आए थे, राइटर बनने आए थे या डायरेक्टर बनने आए थे, क्योंकि ये सारे शोबे अभी इनके हाथ में हैं। पूछते हैं इनके तजर्बे के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साबर अली गागा साहब, आपका इस वक्त लाहौर में एक नाम है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये बताएं, आप प्रोड्यूसर बनने आए थे, एक्टर बनने आए थे, डायरेक्टर बनने आए थे या राइटर बनने आए थे? आया तो मैं एक्टर बनने था, लेकिन हादसाती तौर पर मैं प्रोड्यूसर बन गया, क्योंकि इस फील्ड की जो सख्ती होती है ना, वो बहुत कम लोग जो है ना वो झील पड़ते हैं। बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है ये फील्ड। बहुत सख्तियाँ करते हैं जो सीनियर है ना, वो बहुत सख्तियाँ करते हैं, फिर आदमी खुद बहुत प्रोड्यूसर बन जाता है। जो भी सीनियर उनकी ज्यादतियों के बाद आप प्रोड्यूसर बने, तो अल्लाह करे ऐसी ज्यादतियाँ मेरे साथ भी हों और मैं प्रोड्यूसर बनूं। अल्लाह ना करे आपके साथ ऐसी ज्यादती हो भाईजान। अच्छा जी। बहुत ज्यादती, बहुत ज्यादती। माँ बहन की गालियाँ दी जिस ने मुझे, और वो बस मैं अब प्रोड्यूसर बन के अब वही बदले अब पूरे कर रहे हैं जूनियर के साथ के नहीं कर रहे? नहीं, अल्लाह ना करे कि मैं वो बदले लूँ। मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं, हो सकता है कि भाई मेरा रिजक लिखा ही ऐसे हो और उन्होंने मुझे मेरे एक ही रात में मेरी काया पलट दी। उसने मुझे ना मुझे गालियाँ देता, ना मैं अपना घर जा के बेचता, ना मैं प्रोड्यूसर बनता। मैंने अपना घर सेल किया इस गुस्से में, फिर मैंने ड्रामे लगवाए ने शुरू किए। अल्लाह ने मुझे बरकत दी, मेरा नियत मेरी साफ थी। अब दोबारा आपने घर बना लिया? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अपने जाती दो घर हैं, बेहतरीन है, हर चीज़ है दुनिया जहान की, मुझे कोई किसी की टेंशन नहीं है। आपसे थोड़ी सी तलख बातें करना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह शुरू करें। आप क्योंकि इस टाइम प्रोड्यूसर हैं मेरे चैनल पे, प्रोड्यूसर आप पहले हैं जो मेरे हत्थे चढ़े हैं, नहीं तो प्रोड्यूसर मुझे इंटरव्यू नहीं देते। आप एक बहादुर आदमी हैं जिन्होंने कहा कि नो टेंशन, आप मुझसे बात करें। कुछ लड़कियों का कहना है कि प्रोड्यूसर हजरात जो होते हैं सीटों की डिमांड करते हैं कि आप सीटें लगवाएंगी तो आपको कास्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। भाईजान वो प्रोड्यूसर नहीं होता, वो जो लड़कियों को डिमांड करता है कि ये आप अपने चाम के बुलवाएं, ड्रामा देखने आएँ, वो सीटें लगवाएं, वो प्रोड्यूसर थोड़ी है। वो तो बेचारा है दिहाड़ी लगाने के लिए। प्रोड्यूसर वो होता है जिसको पता हो कि भाई आर्टिस्ट की इज्जत कैसे है, ऑनर कैसे। मैं तो अपने आर्टिस्ट को ये मना करता हूँ कि बाहर खाना भी ना खाया करें। क्या कुछ प्रोड्यूसर ऐसे हैं जिनकी ये डिमांड है? होंगे, ऐसे हैं, काफ़ी हैं। प्रोड्यूसर ब्लैकमेल करते हैं लड़कियों को? यार देखो, मैंने तो अभी तक नहीं देखा किसी को ब्लैकमेल करते हुए, लेकिन अगर सुनने में आया करते हैं और वो करते होंगे। हाँ अच्छा, असल में ना जब से हीरा मंडी बंद हुई है ना, वहाँ के तमाशबीन जो है ना, वह यहाँ पे प्रोड्यूसर शुरू हो गए। क्या समझे को, वो डांस भी कर रही हैं लड़कियाँ, उसके भी इंजॉय भी कर रही हैं, उनको अपनी डिमांडें भी बता रहे हैं, और वो लड़कियों को चाहिए। और जो लड़कियाँ ये डिमांडें पूरी कर रही हैं वो आर्टिस्ट थोड़ी हैं, वो भी वहाँ से ही आई हैं। अच्छा अब ये बताएं, आप प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर के पीछे लड़कियाँ हाथ धो के पड़ती हैं, ये हमारी शोबिज़ का रूल है, तो आपके पीछे भी लड़कियाँ घूमती होंगी? हाँ पड़ती हैं लड़कियाँ, कहती हैं आई लव यू आई लव यू, तो मेरा एक ही मोटो होता है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं। हाँ आप आए मुझे आई लव यू कह रहे, तो आप मुझे खाना खिलाओ, आप मुझे पैसे दो। फिर क्योंकि भाईजान एक बजे ड्रामा ख़त्म होता है, मैं 1:15 बजे अपने घर पहुंच जाता हूँ, और मुझे यही होता है कि भाई मैं अपनी फैमिली में बहुत खुश हूँ। मेरे बच्चे कहते हैं ना कि लॉन्ग ड्राइव पे चलें, तो मैं उनको लंदन ले जाता हूँ, दुबई ले जाता हूँ, सऊदीया चला जाता हूँ। मुझे इस फील्ड में कोई नहीं। अच्छा आप इस फील्ड में किसी से मुतासर होके आए थे, आपको शौक था या किस कैसे आए? आया तो मैं ड्रामा देखने था, और ड्रामा देखते मुझे शौक पैदा हो गया मस्ताना साहब का ड्रामा देख के, और गोशी खान साहब की फिर मैंने शागिर्दी इख्तियार की।
वो शिहान साहब बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, मेरे उस्ताद नो डाउट उन जैसा आर्टिस्ट बहुत कम है, बहुत कम है, और बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, और वो डायरेक्टर बहुत अच्छा। अच्छा आप क्या कहते हैं जो नया आने वाला लड़का है जो इस फील्ड में आना चाहता है, एक्टर बनना चाहता है, उसके लिए ये फील्ड कैसी है, उसे इस फील्ड में आना चाहिए, लड़की है या लड़का है, या नहीं आना चाहिए? भाईजान इस फील्ड में आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ मुझे इसी फील्ड से मिला है, कोई बाहर से तो नहीं मिला, इस फील्ड में आए, लेकिन आए इस तरह के भाई लगे कि भाई कोई आया है, कोई आर्टिस्ट है, इज़्ज़त के साथ काम करे, इज़्ज़त के साथ। मेरे साथ बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम इनके साथ काम करें, क्योंकि मैं इज़्ज़त के साथ काम करवाता हूँ, इज़्ज़त के साथ रहता हूँ। आपका चैनल है? मेरा चैनल है। किस नाम से? स्मॉल टीवी। सुना अन्य वहाँ काम कर रहे हैं आजकल आप? बस कुछ कोशिश कर रहे हैं कुछ अच्छे से अच्छा करने की। स्मार्ट टीवी बहुत अच्छा चैनल है, मैंने इनका चैनल देखा है, बड़े बड़े फ़नी इनका जो एक स्टाइल है आप देखेंगे तो आप बहुत महजूज होंगे। तो बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया साबर अली गागा साहब, आपने हमें टाइम दिया, क्योंकि इस फील्ड के प्रोड्यूसर हमें टाइम नहीं देते, आपने हमें टाइम दिया। सर थैंक यू, आपकी मेहरबानी भैया, आपने इस काबिल समझा और मैं आपके चैनल पे आया। थैंक। तो इसके साथ मुझे और साबर अली गागा साहब को इजाज़त दीजिए, शान पाकिस्तान के साथ स्मॉल टीवी को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकें। मुझे और साबर अली गागा दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।